अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया तौसीफ जी। नासिर साहब, आज आप जो इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हुए, उनके तरफ से दावतनामा आया था, किन चीजों पर बात हुई खास तौर पर? जनाब, हमने उनसे बताया कि ये हमारे हमें फख्र है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया का हम हिस्सा है, लेकिन वो जमहूरी जो है तकाजे इस जो पहले स्टेट थी अब यूटी बन गई, यहाँ पूरे नहीं हुए, 10 साल हो गए यहाँ असेंबली इलेक्शन हुए। तो हमने उनसे गुजारिश की, क्योंकि अब पार्लियामानी इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी तारीख बहुत जल्द निकलने वाली है, तो हमने उनसे कहा कि असेंबली के भी इलेक्शन इसके साथ ही हों। हमने अपनी दलाइल उनके सामने रखी और जो मल्टीपल जो रीजंस है कि ये एक साथ होना चाहिए वो हमने उनके साथ रखे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार बड़ी मुद्दत के बाद मिलेगी, वो हमने उनको कहा। और फिर दूसरा ये जो इशू है कि ये हमारे यूटी का जनरली बट कश्मीर वैली का बहुत एक वाइब्रेंट टूरिज्म सीजन जो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला है, तो अगर 2 इलेक्शन एक सीजन में हो तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लाजमन डिस्टर्ब हो जाएगी, ये भी हमने उनसे कहा। किस तरह की सूरत हाल रही, क्या कोई बात? ये है कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री साहब जो ख्वाब रखते हैं कि इस मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा? यहाँ पार्लियामानी इलेक्शन होने ही है और असेंबली के इलेक्शन हुए नहीं इतनी देर से, तो इन दोनों को एक साथ किया जाए, साइमल्टेनियसली किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपने जो आज जिम्मेदारी अदा की, क्या लगता है कैसे जो इलेक्शन कमिश्नर थे कैसे जवाब आया और किस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज थी और किस तरह का रवैया उनका था आज? देखिए जी, आज तक ये कोई प्रेसिडेंस नहीं रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑन स्पॉट ही कोई बात कही हो या डिसीजन दिया हो। वो सारी जो है यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बात करके, फिर अपने अफसरान से बात करके, फिर LG का भी रिपोर्ट लेंगे, तो पूरा वो जो उसका फिर जो निचोड़ है उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। हमें ये पूरी उम्मीद है उन्होंने वो इसका रैशनली और बड़ा पैशनेटली फैसला लेंगे, और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो ये दोनों इलेक्शन एक साथ करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ में आखिरी सवाल, और आपके जो पार्लियामेंट बोर्ड की तरफ से जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, क्या हम उम्मीद रखेंगे आने वाले दिनों में आप कब तक कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे? बहुत जल्दी करेंगे तो शिव जी, जिस दिन करेंगे मैं आपको भी बता दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, आपका बहुत बहुत